डेरिवेशन देखिए, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी प्लेट के पास नेगेटिव चार्जेस हैं माइनस के। चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी होती है सिग्मा, इसका एरिया कितना है, ये फिगर सबको मालूम है। इनके बीच कोई डिस्टेंस होगा डी। ओके, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो बड़ा सिंपल कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा कि माइनस चार्जेस प्लस चार्जेस को अपनी तरफ खींचते हैं तो ये वाली प्लेट इस प्लेट को अपनी तरफ खींचेगी। अगर खींचेगी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा एंड दैट इज द फोर्स वी वॉन्ट टू कैलकुलेट, द फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये ऑब्वियस है फोर्स लगेगा। अब हमको कैलकुलेट करना है कि ये फोर्स कितना होता है, ये फोर्स कितना होता है इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इस तरह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ऐसा, इसके पास कितने चार्जेस हैं क्वांटिटी क्यू, नेगेटिव चार्जेस, कितने चार्जेस हैं क्यू, हर चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है तो एक चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, क्यू इंटू ई, ये इस पर फोर्स लगेगा। अब ई कितना, यहां पर ई की वैल्यू हम कितनी लेंगे, तो देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस में रहता है, यहां पर ये, यहां पर ये चार्ज फैला हुआ है ये प्लस क्यू, और यहां पर कितना चार्ज है तो आंसर है यहां चार्ज है जीरो, ये प्लस क्यू और अंदर वाली सरफेस पे जीरो। तो एवरेज चार्ज कितना हुआ हाफ क्यू, फिर से बाहर कितना है प्लस क्यू तो अंदर कितना है जीरो, तो प्लस क्यू से जीरो तक जाते हैं तो एवरेज वैल्यू क्यू की हमको कितनी मिलेगी हाफ क्यू। तो फोर्स कितने क्यू पर लगेगा, हाफ क्यू पर लगेगा। फिर से समझिए, अगर वैसा नहीं तो इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो यहां पर चार्ज कितना है जीरो 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 जीरो, इस जीरो के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जीरो, इस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसके कारण और ये इसके कारण, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी एवरेज ऑफ द टू। एवरेज ऑफ द टू बोलने से हम क्या बोलेंगे, फोर्स कितना लगता है हाफ क्यू ई। हाफ क्यू ई क्यों लगा, क्योंकि यहां पर चार्जेस कितने हैं क्यू और यहां पर कम होते 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 यहां कितने चार्जेस हो गए जीरो, इसलिए हमने ये लिया एवरेज वैल्यू कितनी हाफ क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। बस अब इस ई को हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखिए हाफ क्यू ई किसके बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको मालूम है। फिर से एक बार याद रखिए, इस सरफेस पर फोर्स कितना लगता है क्यू इंटू ई, इस सरफेस पे फोर्स कितना लगता है जीरो इंटू ई यानी जीरो, तो एवरेज फोर्स कितना हुआ हाफ क्यू इंटू ई। बस ये चीज आपको याद रखनी, बाकी सब कुछ आपको आता है। कैसे आता है हाफ क्यू ई, ई को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम क्यू को भी सिग्मा लिखें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू क्या होता है सिग्मा इंटू ए, तो ये क्या बना, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा और देखिए, अगर हम इसको क्यू में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए, तो ये अब क्या बन जाएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है सिग्मा के फॉर्म में, ऐसा हमने लिखा क्यू के फॉर्म में, अब ई के फॉर्म में लिखिए,
E के फॉर्म में कैसे लिखना है देखो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, E स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, यहां सिर्फ एप्सिलॉन है तो हम इसको ऐसा कर देते स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये क्या चीज हो गई, E स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज फोर्स, तो दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, ये सब फोर्स के फॉर्म, तो इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चारों फॉर्मूले हो गए फोर्स के। अगर हम बीच में एक प्लेट डालते हैं टी थिकनेस की, जिसका कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें फोर्स का वो वाला फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ई आता है, ये आया, एरिया नहीं बदल रहा, एप्सिलॉन नॉट नहीं बदल रहा, तो ये दोनों को आपस में प्लेट डालेंगे तो ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, इट इज लॉजिक। तो इस तरह से जब भी आपको एक का डिपेंडेंस दूसरे पे देखना है तो उसका फॉर्मूला देखिए, उसमें वैल्यू को कम या ज्यादा करिए एंड यू विल फाइंड आउट कि उस पर क्या आंसर आने वाला है। हाँ जी, डायग्राम बनाइए सब लोग और दोनों क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ, उसी मेथड से हर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। पीएफ, पीको फैरेड, पीको, पीको कितना होता है, 10^-12। इधर ध्यान दीजिए, ये वाला अगर हमको निकालना है ऑक्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको दो फॉर्मूला मालूम है, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल के लिए हमको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मालूम होनी चाहिए कि कौन से दो पॉइंट के बीच में ये सीरीज और पैरेलल हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोले ये दो कैपेसिटर मुझे बताइए कि ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, देखिए कंफ्यूज है ना, इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि मैंने वो दो पॉइंट बताए ही नहीं जिसके बीच में मुझे पूछना है। फिर से सुनो, मैंने ये मिटाया और ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, अब ए से बी तक जाइए, करेक्ट, समझ आया। फिर से, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ए से बी जाइए, फिर तो क्या चीज का इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां है और आपका एंडिंग पॉइंट कहां है, इसलिए उसके बिना कभी फैसला मत करिए कि सीरीज है या पैरेलल है। तो जब भी हम सीरीज और पैरेलल वर्ड्स को यूज करते हैं तो हमेशा उसके साथ एक वर्ड छिपा हुआ रहता है, या हम बोलते हैं दे आर इन सीरीज बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, पर उसको हम साइलेंट कर जाते हैं बिकॉज दैट इज वेरी ऑब्वियस, यहां ऑब्वियस नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूं ए बी सी, सो बिटवीन ए टू सी दे आर इन सीरीज, बिटवीन ए टू बी दे आर इन पैरेलल, ठीक है ना, इसी सर्किट। इस तरह से वो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहां है, आंसर है ये बैटरी लगी है, हर सर्किट में कहां से कहां तक लेना है, प्लस से माइनस तक, प्लस से शुरू करिए माइनस पर खत्म करिए, प्लस से चलना शुरू करते हैं ये ऐसे,
टारगेट क्या है, यहां पहुंचना है। यहां पहुंचना मतलब ऐसे घूम के आना पड़ेगा, यहां तक हम पहुंचते हैं तो हमको एक रास्ता ये मिलता है और एक रास्ता ये मिलता है। तो यहां से हमारे दो रास्ते शुरू हो जाते हैं। जब ऐसे दो रास्ते शुरू होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास दो पैरेलल रास्ते हैं। तो ये रास्ता और ये रास्ता आपस में कैसे है, पैरेलल। अच्छा, इस पॉइंट का मैंने नाम दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, एफ, और ये फिर से आ गया पैरेलल रास्ते किस से किस पॉइंट के बीच में है, बी से देखो, बी से आप दो रास्तों पे चढ़ोगे, दोनों रास्ते फिर कहां मिलेंगे जाके, नहीं सोचो सोचो, बी से चल के देखो ना जी, बी से आप इसे रास्ते से आए, कहां मिलोगे, ई पे। इसलिए पैरेलल सर्किट दो किस किस के बीच में है, बी से ई के बीच, ये पहचानना सीखिए। पूरा बी से जी तक पैरेलल नहीं है, कहां से कहां तक पैरेलल है, राइट, बी से ई तक पैरेलल। अब बी से ई तक जब हम आते हैं तो हमको कितने कैपेसिटर एक रास्ते में पार करने पड़ते हैं, कौन कौन से, क्या उन दोनों के आजू बाजू से निकलने का रास्ता है कि दोनों को ही पार करना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों क्या कहलाएंगे, सीरीज। तो सीरीज में बी और ई के बीच सीरीज में कौन कौन है, सी टू एंड सी थ्री, ये सीरीज में। पैरेलल में कौन है, सी वन, कहां से कहां तक, बी से लेके ई तक, ये। अच्छा, अब हम बी से चलेंगे, पैरेलल रास्ता, पैरेलल रास्ता ई तक आ गए, ई के बाद यहां जी पहुंचे, ई के बाद जी पहुंचे, एक ही रास्ता है और इसको पार करना जरूरी है। तो इस पूरे सिस्टम का ये सीरीज की पैरेलल, ओके, यहां से बी से हम चले ई तक आए, ई से जी अभी नहीं पहुंचे, जी तक हमको पहुंचने के लिए इसको पार करना जरूरी है, इसलिए ये सीरीज में। जिस जिसको पार करना कंपलसरी है, उसका कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं है, तो वो कैसा कहलाएगा, सीरीज। तो दिस इज इन सीरीज। अच्छा, ये थोड़ा सा सीरीज पैरेलल का हुआ। दूसरा, जो सर्किट हमको इस तरह से बना के दिए जाते हैं, हमारे में एक स्किल होनी चाहिए कि हम उस सर्किट को खींच खाच के सीधा कर दें, ताकि सॉल्यूशन निकालने में हमको आसानी चाहे। तो सीधा करने के लिए बी और जी के बीच, ए और जी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 300 वोल्ट। तो मैं इसको इस तरह से करता हूं कि ई और बी, इनके बीच ये दो पैरेलल रास्ते हैं, तो मैंने ऐसे बना दिए, ये कहां से शुरू करना है हमको, ए से, ए से चल के कहां तक आते हैं, बी तक, ये हम यहां से चले ए से, ए, ए से चल के कहां पहुंचे, बी, बी के बाद दो रास्ते, एक रास्ते के बीच में कौन आएगा, सी वन, दूसरे रास्ते के बीच में ये सी टू सी थ्री। फिर जब यहां पहुंचते हैं उसके बाद फिर सिंगल रास्ता हो जाता है, पैरेलल नहीं है, एक रास्ता, ये एक रास्ता। फिर यहां रास्ते में कौन आ गया, सी फोर, सी फोर को पार किया, कहां पहुंच गए, जी। ये सिंप्लीफाई कर, इसको आप कर्व भी रख सकते हैं, और कर्व नहीं रखना चाहे तो इसको सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरह से ए और जी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 300 वोल्ट। आप चाहे तो बनाइए, चाहे तो मत करो, ओके। अब हमने इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, अभी तक हमने दो चीजें देखी,
एक तो ये है कि दो पॉइंट के बीच सीरीज है या पैरेलल है, इसको पहचानना देखा। दूसरा हमने ये देखा कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके सीधा कर सकते हैं। अब तीसरा, कौन कौन से कैपेसिटर क्वालिफाइड हैं आपस में जुड़ने के लिए सीरीज में या पैरेलल में, ये और ये दो रास्ते कैसे हैं। पैरेलल में है ये कैपेसिटर है C1 C2 C3, अगर ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या मैं C1 और C2 को आपस में जोड़ सकता हूं इस फॉर्मूले से? नहीं। क्यों नहीं है? C2 C3 तो क्या हुआ, C1 को C3 के साथ भी जोड़ देते हैं, C1 को C2 के साथ भी जोड़ देते हैं क्योंकि वो दोनों के पैरेलल है। नहीं चलेगा? ओके, इसका फंडामेंटल रूल देखिए, हमने जब ये वाला फॉर्मूला बनाया था तो हमने किस तरह से डेरिवेशन स्टार्ट की थी कि ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर, इसकी ये वाली प्लेट इस प्लेट से जुड़ी हुई है और ये वाली प्लेट इस प्लेट से जुड़ी हुई है, तब इन दोनों को हमने क्या माना था, पैरेलल। तो पैरेलल की कंपलसरी कंडीशन क्या है, एक प्लेट से जुड़ी हो, दूसरी प्लेट से जुड़ी हो, और ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों एक और एक कैपेसिटर हो। यहां देखिए C1 की ये वाली प्लेट इस प्लेट से जुड़ी है, पर ये प्लेट इससे जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी, इसलिए पैरेलल में नहीं कर सकता। तरीका समझ आया कि किया ना हमने डेरिवेशन, ऐसा याद आया? तो ये शर्त है कि ये प्लेट इससे और ये प्लेट इससे जुड़े, तभी आप C=C1+C2 कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और यहां पर वो शर्त पूरी नहीं हो रही। ये शर्त कब पूरी होती है, जब ये दोनों कैसे हो, एक एक सिंगल सिंगल, तो यहां फंस गए। इससे निकलने का तरीका क्या है कि इसको हम सिंगल बनाएं। अब इसको सिंगल बनाने के लिए फिर से हम शुरू करते हैं, ये दोनों को सिंगल बनाने के लिए दिख रहा है, ये दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में। अब सीरीज में आपको जोड़ना आता है क्या? यस, C1+C2 को हमको सीरीज में जोड़ना आता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, C1C2/C1+C2। फिर से सीरीज में C2 और C3 ये दोनों सीरीज में है, कितना 200 200, दिस इज 100 एंड दिस इज 100, ये 200 और 200 सीरीज में कितना हो जाएगा। उस दिन हम लोगों का जल्दी जल्दी में हो गया था, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमने प्रॉपर नहीं की। 200 200 के 10 कैपेसिटर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, नहीं याद? देखिए फिर से, 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2 + 1/C2। अगर ये n है तो ये कितनी बार जुड़ेगा, n टाइम्स जुड़ेगा, ऐसा होता है। मान लो ये सब कैपेसिटर एक जैसी कैपेसिटी के हैं, सबकी कैपेसिटी कितनी है C, तो ये क्या हो जाएगा, 1/C 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 और 1/C मिला के 2/C 3/C 4/C n/C, तो n कैपेसिटर मिलाकर कितने हो जाएंगे, n/C। तो C किसके बराबर हुआ, C/n। If n capacitors are connected in series, what will be equivalent capacitance? C/n. Note करिए, भले इसमें करिए, भले जहां पीछे सीरीज किया था वहां करिए, वहां आपने लिखा है, लास्ट लाइन यही लिखी है, मुझे याद है। तो फिर से याद करिए, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो
तो कैपेसिटेंस हमेशा डिक्रीज हो जाता है कितने टाइम्स n टाइम्स व्हाट इज n n कैपेसिटर को जोड़ा अब आप मुझे बताओ 100 कैपेसिटर 100 100 100 ऐसे 20 कैपेसिटर हमने जोड़े सीरीज में तो कैपेसिटेंस कितना मिलेगा 5 यस इट विल डिक्रीज कितने टाइम्स n टाइम्स इसी का उल्टा पैरेलल 100 100 100 20 कैपेसिटर जोड़े कितना हो जाएगा 20 100 उसमें क्या होना है पैरेलल में n मल्टीप्लाइड बाय c सीरीज में c डिवाइडेड बाय n पैरेलल में c मल्टीप्लाइड बाय n ये इंक्रीज होता है और सीरीज में डिक्रीज होता है अब यहां पर दो कैपेसिटर सीरीज में हैं मिलाकर कितना हो गया c अपॉन n कर दो 200 अपॉन 2 कर दो 100 और ये टेक्निक याद रखिएगा 200 200 सीरीज में मिला के कितना होता है 100 अच्छा फिर बताइए 10 और 10 सीरीज में मिलाए तो कितना हो गया 5 कितना हुआ 5 फिर से पूछता हूं 9 9 9 कितना हो गया 9 9 9 तीन कैपेसिटर सीरीज में मिलाए कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आंसर आया 3 फिर से 40 40 40 ये 40 40 40 ऐसा हम मिलाते चले गए 8 कैपेसिटर्स कितना आया आंसर 5 अब आ रहा है धीरे-धीरे ओके अब बताइए 50 50 50 के 5 कैपेसिटर 10 तो हमेशा डिक्रीज होना है कितने टाइम्स डिक्रीज होना है जितनी n की वैल्यू है उसे डिवाइड कर ठीक है ये थंब रूल याद करिए ये हमारे न्यूमेरिकल जल्दी-जल्दी सॉल्व कराएगा दो कैपेसिटर जो कि इक्वल नहीं है जो कि इक्वल नहीं है C1 और C2 है उनका इक्विवेलेंट कितना होगा is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 ये फॉर्मूला है अब इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया C1 C2 ऊपर क्या आ गया C1 plus C2 तो दोनों को रिवर्स कर दिया ये क्या हो गया C is equal to C1 C2 upon C1 plus C2 ये कौन से दो कैपेसिटर हैं सीरीज में ये फॉर्मूला याद रखें ठीक है अब इस फॉर्मूले को देखकर मुझे बताइए दो कैपेसिटर हैं हमारे पास वन इज 2 माइक्रोफैरेड एंड वन इज 6 माइक्रोफैरेड दोनों को सीरीज में मिलाया तो कितना हुआ यस 3 अपॉन 2 एक 2 है और दूसरा 6 है 12 अपॉन 8 ये टेक्निक तुरंत आपको लगानी है फिर से शुरू करते हैं एक 10 और एक 30 300 अपॉन 40 बस या जो भी है 300 अपॉन 40 इस तरह से ये आपके तुरंत बनने चाहिए 1 और 2 ये दोनों सीरीज में है तो कितना होगा ठीक जोड़ते हैं 1 और 2 को जब सीरीज में जोड़ा तो 2 अपॉन 3 आया और 2 अपॉन 3 1 से भी कम होता है यानी सीरीज में जब भी आप जोड़ेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी कम होगा जैसे एक हमने कैपेसिटर लिया 1000 माइक्रोफैरेड दूसरा लिया 1 माइक्रोफैरेड दोनों को सीरीज में जोड़ा कितना आएगा 1000 अपॉन 1001 और 1000 अपॉन 1001 वन से छोटा होता है यानी रिजल्ट हमारा जो भी आएगा हमेशा सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होगा वैसे ही पैरेलल में जो हमारा रिजल्ट आएगा सबसे बड़े कैपेसिटर से भी बड़ा होगा ये नियम हमको याद रखते हैं वापस
हम अपने न्यूमेरिकल पर आते हैं, देखिए ये, अब बताइए यहां से हाँ 200 और 200 इनको आपस में जोड़ना अलाउड है, क्योंकि ये वन आफ्टर द अदर बी से लेके यहां पॉइंट सी तक ये दोनों प्योरली सीरीज में है। तो 200 और 200 मिलाकर कितना हो गया 100, तो ये हमने नेक्स्ट फिगर बनाया और इसको कर दिया 100। और फिर से ये रहा पॉइंट ए, यहां पर ये आ गया 100 और ये है पॉइंट बी। ठीक, तो अब उसके बाद देखिए ये दो, ये वाला कितना 100 पीएफ और ये वाला कितना हो चुका है 100 पीएफ, ये भी 100 पीएफ 300 वोल्ट। अब इसके बाद ये इसकी ये प्लेट इससे लगी है, इसकी ये प्लेट इससे लगी है, ये कौन सा केस बन गया प्योर। अब जोड़ना अलाउड है, तो 100 और 100 को ऐड किया तो कितना हो गया 200। तो इससे अगला स्टेप हमने यहां बनाया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 pf, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इसका कुछ नाम दे देते हैं सी सी, और ये वाला 100 pf, दिस इज 100 एंड दिस पॉइंट इज पी, ऐसा। अब ये दोनों को देखिए, ए से लेके बी तक ये दोनों कैसे हैं सीरीज, क्या रास्ते में कोई ऐसा रास्ता है पैरेलल वाला, नहीं है, इसलिए ये दोनों प्योरली सीरीज में। जब तक प्योरली सीरीज में नहीं होंगे तब तक हम सीरीज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अगर बीच में पैरेलल आ गया तो सीरीज का फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहां से आएंगे यहां से चले जाएंगे, जबकि सीरीज क्या कहती है, हर उस कैपेसिटर में से जाना है जो सीरीज में है, उसके लिए क्या जरूरी है, एक ही रास्ता होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। अब यहां हम देख रहे हैं हमको एक ही रास्ता मिल गया है, इसलिए ये दोनों सीरीज में है। तो काउंट करिए 1 और 2, अभी आपने किया था, सीरीज में कितना होता है 2/3, तो ये कितना हो गया 2/3, ये हमने किया, तो इसको कितना लिखना है 2/3 1 और 2 1 2 3 4, ये आ गया, दिस इज है जी 300 प्लस कर दिया ये 200/3। ठीक है, ये आ गया इसका कैपेसिटेंस। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 300 वोल्ट, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए यहां पर कितने कैपेसिटर थे 4 से यहां कितने बचे, यहां पर 1, ये सबको बनाना आना चाहिए और इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रैक्टिस कि इसको एक कैपेसिटर तक लाना है। क्यों लाना है, क्यों, क्योंकि हम एक बड़ी सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हैं Q = C × V। ये जो Q × C × V है ये हमने कब की थी, इसका कैपेसिटेंस कितना है C, इसके पास चार्ज कितना है Q, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा V, ये V की दोनों प्लेट कहां जुड़ी है, एक प्लस इसके साथ और माइनस इसके साथ, यहां पर A इधर जुड़ा है और B इधर जुड़ा है, क्या ये इस शर्त को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा। बैटरी का प्लस कैपेसिटर की एक प्लेट से और माइनस दूसरी प्लेट से जुड़ना चाहिए, तब ये फॉर्मूला चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यहां पर देखिए यहां ए और यहां बी, इनके बीच में कितना है 300 वोल्ट,
तो ये 300 वोल्ट क्या ये दोनों प्लेट के बीच है? नहीं है, क्योंकि ये तो यहां जुड़ गया, इसलिए हम इसके साथ Q इज इक्वल टू CV नहीं यूज कर सकते। तो Q इज इक्वल टू CV कहां यूज किया जाता है? एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर उसकी दोनों प्लेट के बीच में V होना चाहिए और उसी पर चार्ज Q होना चाहिए। बहुत सिंपल केस है, कोई भी कॉम्बिनेशन में Q इज इक्वल टू CV नहीं चलता है, सिर्फ किस में चलता है? सिंगल कैपेसिटर। क्यों? हमने शुरू से माना ही वैसा है, इसलिए हमको इतनी एक्सरसाइज करके लास्ट में क्या लाना पड़ता है? एक कैपेसिटर, ये हम लेकर आए। अब इस कैपेसिटर का C हमको मालूम है, इस कैपेसिटर का V हमको मालूम है, कितना? 300। अगर C और V मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं? Q लगा दीजिए। अब देखिए अगली चीज, हमसे पूछा क्या जा रहा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मींस जब ये सिंगल हो जाएगा तो किसके बराबर है? पहला आंसर हम निकाल चुके, जब ये सिंगल हो गया तो किसके बराबर है? 200/3, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हमारा एक आंसर निकल गया, 200/3। अब फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, अगर हमको हर कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है तो हमको चार्ज यहां बताना है, यहां हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अरे का हमको सी मालूम है लेकिन वी नहीं मालूम है, वी किसका दिया हुआ है? पूरे सिस्टम का। अगर हमको यहां पर वी मालूम होता तो वी मल्टीप्लाइड बाय सी करते, ये एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि जिस सीढ़ी से उतर के आप नीचे गए हैं वहां से कैलकुलेशन करते फिर से ऊपर आइए। कैसे? यहां पर आपको क्या मालूम है? C, और क्या मालूम है? V। Q निकाल सकते, C इंटू V इज इक्वल टू Q। बोलिए कितना आया? 20,000। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये Q आ गया। PF, हर जगह PF चलता रहेगा। ये अगर Q लिखेंगे तो P को कूलम होगा और कैपेसिटेंस लिखेंगे तो P को फैरेड होगा। अब इस कैपेसिटर के Q, C और V तीनों चीजें आपको मालूम है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, अगला स्टेप, ये स्टेप आपको याद रहना चाहिए, वो ये कि अब हम यहां से ऊपर जाना शुरू करते हैं। जब भी आप यहां से यहां आएंगे तो इस बात की जानकारी लेंगे कि इस एक से यहां कितने मिलेंगे? दो, फिर तीन, फिर चार। एक से जब आप दो बनाते हैं तो सीरीज बनाते हैं कि पैरेलल बनाते हैं? ये देखिए, यहां एक से दो कैसे बने? सीरीज। सीरीज में क्या कॉमन होता है? वोल्टेज, चार्ज या सी, क्या कॉमन होता है? वोल्टेज कॉमन मालूम है, यस, चार्ज कॉमन होता है वोल्टेज में। पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होती है और सीरीज में चार्ज कॉमन। ओके, याद रहेगा, आगे याद आ जाएगा। ओके, चार्ज कॉमन होता है, जो टोटल चार्ज होता है वही हर एक के पास इंडिविजुअली होता है। यहां इसके पास चार्ज कितना है? 20,000। तो सीरीज में हर एक के पास कितना होगा? 20,000। तो इसके पास चार्ज कितना लिखना है? 20,000। इसके पास चार्ज कितना लिखना है? 20,000। इसके पास पहले से एक चीज आपके नॉलेज में है, वो क्या चीज है? सी। एक चीज आप नीचे से लेकर आए हैं, वो क्या चीज है? क्यू। तीसरी चीज क्या होती है? वी। उसको कैलकुलेट कर, फिर से तीन चीजें होती हैं, सी, क्यू और वी। एक चीज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ये दूसरी चीज आप नीचे से लेके आएंगे, तीसरी चीज कैलकुलेट करेंगे ऑन द स्पॉट। तो यहां पर सी दिया था, किसको लेकर आए? क्यू को। तीसरी चीज वी को कैलकुलेट करोगे, कैसे? क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी करिए,
20,000 divided by 200. 100 volt. Okay. Yeah. 20,000 divided by 100. Kitna hoga? 200 volt. So ye ho gaya iska C Q V. C Q V. Dono ka pata lag gaya? Yehi information hoti hai. Ab upar chale. ऊपर में इसको as it is हमने कॉपी कर दिया, इसको तो थोड़ा नहीं था, इसलिए जो इसका Q और V है वो यहाँ पर वैसा ही आ जाएगा, Q V और C तो हमको मालूम, ये इसके तीनों चीज मालूम है। अब इसके ये हमने दो बनाए सीरीज की पैरेलल, पैरेलल ये समझ आया, पैरेलल में क्या कॉमन, वोल्टेज। इसलिए हम यहां से कौन सा स्पेसिफिकेशन ऊपर ले जाएंगे, वोल्टेज जो कि बराबर होता है, तो इसका वी हमको पता लग गया कितना देना है, 100 और इसका वी भी कितना देना है, 100। ये सी हमको गिवन है, तो एक चीज हमको गिवन है, एक चीज हम नीचे से लेके आए और तीसरी कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट। तो कैलकुलेशन करिए, C इंटू V क्या मिल जाएगा, Q, C इंटू V क्या मिल गया, Q। अब देखिए इस कैपेसिटर का C V Q, इस कैपेसिटर का C V Q, इस कैपेसिटर का C V Q, सब मालूम है, ऊपर आ गया, वहां तक जाना है, यहां तक। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में ये कॉपी हो गया, ये वाला कॉपी हो गया, ये वाले को तोड़ा, तो इसमें तोड़ा सीरीज, क्या कॉमन, क्यू, क्यू कॉमन, कितना लेना है, 10,000, तो इसका क्यू कितना होगा, इसका क्यू भी कितना होगा, 10,000, ठीक है, बाकी तो हमको मालूम। इसका C कितना दिया हुआ है हमको, अब इसमें आइए, गिवन क्वांटिटी कौन सी है, C, नीचे से कौन सी लेकर आए, Q, तीसरी कैसे करेंगे, यस कैलकुलेट, कैलकुलेट करिए, Q अपॉन C V इज इक्वल टू 50, ये Q अपॉन C 50, ये वाला इधर से कॉपी कर लिया हमने, दिस इज C V Q, और ये भी हमने यहां से कॉपी कर लिया C V और कितने कैपेसिटर हैं, चार, हर कैपेसिटर का हमको सीवीक्यू सीवीक्यू सीवीक्यू, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज वोल्टेज ऑफ इच कैपेसिटर दिया, क्या गया था हमको सिर्फ सी, और अभी हमको क्या मालूम है, सी वी और क्यू, तीनों चीज हर कैपेसिटर, समझ आ गया। तो फिर से स्टेप याद रखिए, शुरू में इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद एक एक स्टेप में छोटा करते जाना, एक ही स्टेप में दो बार छोटा मत करिए, नहीं तो वापस लौटते में दिक्कत होगी, समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने बनाए, अदरवाइज 200 आके 100 होता है हमको मालूम है, यहां पर भी एक बना सकते थे, पर फिर वापस आते तो हमको दिक्कत हो जाती, इसलिए एक बार में एक एक को कम करते जाइए, जितने बनते हैं बनने दीजिए, इसके इसीलिए थोड़ा लंबे रहते हैं, ये चार से तीन, ये चार, चार से तीन, तीन से दो, दो से एक, फिर यहां पे क्यू वी सी की एक्चुअल कैलकुलेशन यहां पर होगी, ये इस छोटे से फॉर्मूले को लगाने के लिए हमको ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जब ये फॉर्मूला यहां लग जाता है उसके बाद फिर वैसा, एक क्वांटिटी गिवन है, एक क्वांटिटी नीचे से आएगी और तीसरी कैलकुलेट होगी,
इस तरह से ऊपर चढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में पहुंच के सबकी तीनों तीनों क्वांटिटीज हमको मिल जाएंगी। ये मेथड होता है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, तो आज हम यही क्लोज करते हैं। इसके बाद और न्यूमेरिकल्स इसके अगली क्लास में करेंगे और काफी ज्यादा न्यूमेरिकल इसके करेंगे, किस किस टाइप के होते हैं, उसके बाद कैपेसिटर के क्या यूज होते हैं, क्या स्पेशलिटी होती है उसको देखेंगे, देन कैपेसिटर विल बी ओवर। ये देखा आपने डायग्राम, इस डायग्राम में ये दो पॉइंट हैं सप्लाई पॉइंट और इनके बीच में ये तीन कैपेसिटर लगे। इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज है या पैरेलल नहीं है? तो आंसर है, हम एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं, यहां से चलते हैं और ये हमको एक जंक्शन मिला, यहां से चलते हैं तो ये एक कैपेसिटर पार किया और ये जंक्शन। तो यहां से इस कैपेसिटर को पार करके जब हम यहां पहुंचते हैं तो यहां से यहां जाने का कोई और रास्ता है क्या? इसके पैरेलल कोई रास्ता नहीं है, तो ये तो कैसा आ गया सीरीज, क्योंकि इसके पैरेलल कोई रास्ता नहीं है। हमने इस पॉइंट को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो बी से ये क्या लगा हुआ है सी थ्री, यहां पर हम पहुंच गए, इसको हमने माना डी और ये हमने मान लिया ई। ये वाला कौन सा पॉइंट है? डी, डी से सी थ्री, सी थ्री पार किया डी, डी से सी थ्री पार किया, सी थ्री पार करके कहां पहुंच गए हम? डी। इस डी से अब हमको ए तक जाना है, तो क्या रास्ता है? ई तक आएंगे और ए तक जाएंगे। तो डी से ई आने के लिए बी से हम ई आएंगे और ई से ए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ई से डायरेक्ट ए जुड़ा हुआ है। अब डी से ई आने के लिए एक रास्ता है कि दो रास्ते हैं? क्या दिख रहा है? डी से ई जाने के लिए ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता, दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते आपस में कैसे हैं? पैरेलल। इसलिए ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। देख लीजिए, इसको हम यहां की बजाय यहां भी बना सकते थे, दोनों पैरेलल दिखते। तो यहां से हमको डी से और ई के बीच में ये दो पैरेलल ऐसे, देखिए ये वही चीज बन गई। ए से बी, ए से चलेंगे तो यहां से ये कौन सा लगा हुआ है ई के बाद सी टू, ये कौन सा है सी वन और ये वाला सी थ्री अकेला, सी थ्री अकेला, फिर सी वन सी टू ये दोनों पैरेलल में, सी वन सी टू पैरेलल में, सी थ्री अकेला, इधर बी आ गया, इधर ए आ गया। तो ये हमने इसको रीड्रॉ कर लिया। अब हमारा प्रॉब्लम है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन तीनों की वैल्यू को लिख लेते हैं। दिस इज 5 माइक्रोफेरेड, दिस इज 10 माइक्रोफेरेड एंड दिस C3 इज 4 माइक्रोफेरेड, 5 एंड 10 15, तो इससे अगले स्टेप में ये कितना बन गया 15 माइक्रोफेरेड और ये वाला कितना है 4 बी और ये थी। This is 4 microfarad और ये कौन है C3, ये कौन है C1 plus C2। अब ये दोनों आपस में 1 and 1 सीरीज में है और कोई पैरेलल का रास्ता नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम प्योरली सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो इनको सीरीज में जोड़कर बताइए क्या आंसर लगाएंगे? Yes, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए 60/19, तो ये कितना आ गया 60/19, C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2, 60/19 माइक्रोफेरेड।
ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां से हमने कितने स्टेप लिए, 1 2 3, ये याद रखिए ऐसे। अब अगली चीज, ये क्वेश्चन देखिए, सपोज कैपेसिटर C3 ब्रेक्स डाउन, C3 का ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होके वो क्या बन गया, कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर बन गया तो क्या होगा, यहां पर हम इसको ऐसा मान लेंगे, ये कंडक्टर बन गया इस तरह से। अगर ऐसा हो गया तो व्हाट विल बी दी चेंजेस इन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द कैपेसिटर C1 के चार्ज में कितना चेंज आ जाएगा और C1 के पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आ जाएगा। अगर हमको चेंज निकालना है तो हमको क्या मालूम होना चाहिए कि पहले कितनी वैल्यू थी और बाद में कितनी वैल्यू है, चेंज निकल आएगा। तो उसके लिए एक चीज क्या है, पहले कितनी वैल्यू थी, तो पहले कितनी वैल्यू थी उसको हम लोग पहले क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। तो यहां से उल्टा चलना शुरू करिए, सपोज इसका वी कितना दिया है, 100, वी कितना है 100, यहां पर ये क्या चीज है इसका सी और वी कितना है 100। चलिए उल्टा चलना शुरू करिए, अभी इसको यहां रहने देते हैं ऐसे। चलो ये सी है वी है, तीसरी चीज क्या होती है क्यू, कितना होगा मल्टीप्लाई करो 6000/90, ये क्या आ गया क्यू। अब इस एक से अगले स्टेप यहां पर आइए, इस एक से ये दो बने, दिस इज अवर डायग्राम नंबर 1, रीड्रॉ नंबर 2, रीड्रॉ नंबर 3, रीड्रॉ नंबर 4। अब 4 से हम 3 पे आते हैं, तो इस कैपेसिटर के ये दो कैपेसिटर सीरीज की पैरेलल सीरीज में है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो क्या चीज कॉमन होगी, चार्ज कॉमन होगा जो कि इक्विवेलेंट में होगा। तो इसका चार्ज जो है वो चार्ज इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो इसको चार्ज कितना मिला 6000/19 क्यू, इसको भी चार्ज कितना मिला 6000/19 क्यू, ये है इसका सी। ओके, अब हमको इसका सी पता है क्यू पता है, सी पता है क्यू पता है, तीसरी चीज क्या होती है वोल्टेज, वोल्टेज कैसे निकालेंगे ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करना क्यू अपॉन सी, तो क्यू अपॉन सी कैलकुलेट करिए, तो 15 4 15 4 400, सो दिस विल बी इक्वल टू 400 अपॉन 19 वोल्ट, ये है सी, ये है वी और ये रहा क्यू। यहां पर क्या आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड किया, सो दिस विल बी वोल्टेज इज इक्वल टू 1500/19 वोल्ट। अब इसका क्यू सी और वी, इसका क्यू वी और सी दोनों के हमको पता लग गए। इसके बाद यहां से हम आते हैं नंबर 2, नंबर 3 हो गया, 3 से नंबर 2 पे, नंबर 2 पे ये तो एज इट इज है, तो इसपे तो ये तीनों पैरामीटर यही रहेंगे, नो चेंज। ये वाला जो है इसके लिए हमने दो टुकड़े कर दिए C1 और C2, किस मेथड से हुए, सीरीज की पैरेलल, इस एक के ये दो कैसे बने, ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल की सीरीज पैरेलल, तो एक के जब ये दो पैरेलल होंगे तो क्या चीज कॉमन होती है पैरेलल में, क्या कॉमन होता है वोल्टेज, गुड। तो इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी वोल्टेज है 400/19, तो इसकी वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी 400/19,
इसकी वोल्टेज भी कितनी होगी 400 अपॉन 90. ये हो गया V, सॉरी वोल्टेज V, और ये है इसका C. अगर ये C है ये V है तो Q हम यही कैलकुलेट कर सकते हैं. Q कितना हो जाएगा 4000 अपॉन 90. इसका Q कितना हो जाएगा C इंटू V. इसका C2 का वैल्यू 5 इंटू दिस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई किए 2000 अपॉन 19 माइक्रो कूलम. ये Q आ गया QVC, इसका हो गया QVC, इसका हो गया और तीसरे का. इस तरह से हमको 1, 2, 3 तीनों का पता लगेगा. तो C1 जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें कितना चेंज होगा, तो पहले इस सेटिंग में जब तक C3 खराब नहीं हुआ था C1 का वोल्टेज कितना और चार्ज कितना, तो ये रहा C1, ये है इसका चार्ज 4000 अपॉन 19. Q इज इक्वल टू 4000 अपॉन 19. ये है इसका C, और इसका V कितना है, तो यहां पे हमने देखा V 400 अपॉन 19. V इज इक्वल टू 400 अपॉन 19 और C कितना है 10 माइक्रोफेरेड माइक्रो कूलम एंड वोल्ट. ये इसके ओरिजिनल रीडिंग थी. ठीक है, यहां तक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर C3 को शॉर्ट करते हैं, देखते हैं कितना होता है. Suppose capacitor C3 breaks down electrically and become a conductor. ये गया और ये क्या बन गया, conductor. Short हो गया ये. ऐसे. ये short हो गया, conductor बन गया. तो अब इनका ये कहना है, what will be changes in charge and potential at capacitor C1. अब अगर ये ऐसा बन गया, तो ये पूरा था. इसकी पुरानी रीडिंग हम नोट कर लेते हैं. पुरानी रीडिंग इसकी कितनी है, Q1, Q1 is equal to how much, 4000 upon 19 माइक्रो कूलम, और V1 is equal to, V1 कितना आया था 400 upon 19 volt. C1 तो खैर अब दोबारा है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, 10 माइक्रो. अब उनका ये कहना है कि ये सर्किट ऐसा हो गया. अगर ऐसा हो गया तो इसके चार्ज में और इसके वोल्टेज में कितना अंतर पड़ेगा. इसका मतलब है पूरी एक्सरसाइज फिर से करिए और अब आप अकेले करिए. ठीक है, चलो ये छोटा हो गया, एक ही स्टेप में आ जाएगा 100 वोल्ट. सुनिए, ज्यादा लंबा मत जाइए. ये C1 का निकालना है हमको. C1 की दोनों प्लेट देखिए, ये प्लेट किससे जुड़ी है, A से. ये प्लेट किससे जुड़ी है, B से. और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100, तो इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया. तो ये वाला इसका भी कितना हो गया 100. अगर आप इसका निकालोगे तो इसका भी वही आएगा, क्योंकि ये प्लेट इससे जुड़ी है और ये प्लेट इससे जुड़ी है और पैरेलल में भी बराबर होते हैं, उसका भी तो भी तो निकल गया. अब अगर आपको इसका सी मालूम है और इसका भी मालूम है तो क्यों निकाल सकते हैं, कितना होगा बोलो, सी इंटू वी 1000 माइक्रो कूलम. ये Q की वैल्यू आ गई. तो इस तरह से ये Q की वैल्यू शॉर्ट होने के बाद कितनी आ जाएगी,
after short circuit. The Q has become equal to 1000 microcoulomb and V has become equal to 100 volt. How much is the change? अब आप चाहे तो चेंज निकाल सकते हैं 1000 माइनस 4000 अपॉन 19 तो 19000 माइनस 4000 कितना हो गया चेंज 15000 अपॉन 19 माइक्रोकूलम इसमें से इसको माइनस कर दिया वैसे ही वोल्टेज में इससे इसको माइनस करो सो दिस विल बी 1500 अपॉन 19 वोल्ट चेंज ये दोनों चेंज के आंसर है तरीका समझ आया